वृक्ष में से एक बीज डिटैच हो गया, बाकी जो फल हैं कच्चे हैं या अधपके हैं उनमें जो बीज हैं वो डिटैच हो गए या अटैच रहे? हैं? अटैच रहे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं हुए। कारण क्या बताया? अरे अभी अभी तो कारण बताया है, क्यों नहीं हुए नष्ट मोह? एक बाप को पहचाना नहीं, मनाओ सुप्रीम सोल बाप को इस मनुष्य सृष्टि में जो मुकर्रर रूप है, रथ है, उस मुकर्रर रथ में कोई ने नहीं पहचाना है, एक ने पहचाना। तो जो एक ने पहचाना वो ही हुआ सत इस सृष्टि में, क्योंकि वो एक ही आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेती है। वो कम जन्म नहीं लेती, और इसीलिए उसके लिए गाया है, ना उसका कोई साकार में बाप है, है उसका जन्म होता है, जन्म देने वाला कोई है साकार में? नहीं। वो सारी दुनिया को जन्म देगा लेकिन उसको कोई जन्म नहीं देगा। जन्म माना निश्चय बुद्धि, मृत्यु माने अनिश्चय बुद्धि। तो बाकी जो हैं वो अनिश्चय बुद्धि क्यों हो जाते? अरे अभी अभी तो बताया क्यों हो जाते हैं? आपको पहचाना नहीं, नहीं। अरे अभी हिसाब किताब अभी अभी बताया। अनेकों से ज्ञान सुना, अनेकों से प्रभावित हुए, अनेकों की बातों को स्वीकार कर लिया और शिव की बातों पर विश्वास उखड़ गया, तो विविचारी ज्ञान हो गया। जब विविचारी ज्ञान हो गया तो बाप के बच्चे रहे या औरों के बच्चे हो गए? जिससे प्रभावित हो गए उसकी प्रजा बन गए। अब अपने अपने दिल से पूछा जाए कि इस एडवांस के ब्राह्मण जीवन में हम किसी से कभी प्रभावित हुए या नहीं हुए? प्रभावित होकर के किसी की प्रजा नहीं बने, किसी की बात को स्वीकार नहीं किया एक क्षण के लिए भी है? बाप के प्रति ज्ञानी का संकल्प आता है, अनिश्चय का संकल्प आता है, तो क्या साबित होता है? है अनिश्चय का संकल्प आता है तो साबित क्या होता है? है बाप का बच्चा नहीं रहा। उसी सेकंड, उसी क्षण बाप का बच्चा नहीं रहा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई संकल्प है, सारी जिंदगी
तो एक संकल्प चलता है, तो अंत समय में वही संकल्प है याद आ जाता है। स्त्री को पुरुष का अंग याद आ जाता है और पुरुष को स्त्री का अंग याद आ जाता है, इसलिए स्त्री जन्म पुरुष जन्म, पुरुष जन्म स्त्री जन्म, ये चलता रहता है। एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का चलता है। कारण क्या हुआ है? अंत मते सोन, और अंत में कौन सी मते? अंत में वो ही संकल्प आता है जो सारे जीवन ज्यादा चलता है। क्या? जैसे बहुत से बच्चे अभी ज्ञान में आते हैं और आकर के टूट जाते हैं, टूटते हैं ना, कोई संकल्प जो ईश्वरीय ज्ञान का संकल्प है उसके विपरीत तो कोई संकल्प आता है उनको या नहीं आता है, या बिना संकल्प के टूट जाते हैं? है? कोई न कोई संकल्प आता है और वो संकल्प इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अंतमते सोगते कर देता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में एक क्षण भी अगर बाप के प्रति अनिश्चय का संकल्प आया, कोई न कोई ग्लानि का संकल्प आया, तो शूटिंग हो जाती है, रिहर्सल हो जाती है। इसलिए स्ट्रिक्टली तुलसीदास ने बोल दिया, क्या? सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होए पाप गौ घात सबाना। जानवर गौ की तो बात ही नहीं, यहां कौन सी गौ की बात है? जानवर गौ की, कन्याओं, जो कन्याएं सरेंडर होती हैं, उन कन्याओं को कोई उनकी पवित्रता को खंडित कर दे तो जैसे है वो ज्ञान में से हमेशा टूट जाती है। तो ऐसे ही बताया, ये बहुत बड़ा पाप हो गया, जो राजयोग सिखाने वाला बाप 16,000 की संख्या राजयोगियों की तैयार करता है, जन्म जन्मांतर के राजाई की फैमिली में आने के लिए कितनी आत्माओं की संख्या है? कितनी आत्माओं की संख्या? 16,000। वो 16,000 की संख्या में से जैसे कटौती कर दी, एक कन्या अगर टूटती है सरेंडर होने के बाद, तो उसके द्वारा जितने भी निकाले जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही टूट जाएंगे। हर एक आत्मा का 84 जन्म का संबंध में आने वाली आत्माओं का, संपर्क में आने वाली आत्माओं का दायरा अपना अपना है या नहीं है? हर आत्मा का, जो भी एडवांस में आए, जो भी ईश्वरीय सेवा के प्रति तन से मन से धन से समय और संपर्क से अर्पणमय होकर के चलते हैं, वो आत्माएं जैसे कि राज फैमिली की हैं, भगवान बाप आकर के क्या बनाता है? राजयोग से हैं? राजा बनाता है।
राजा न भी बने तो भी राज फैमिली में तो जरूर आएंगे। जैसे धृतराष्ट्र राजा था कौरवों का और दुर्योधन दुशासन राजा तो नहीं थे हैं, लेकिन उनका राजाई का प्रभाव था या नहीं था? नहीं था। राजाओं जैसा ही प्रभाव हो गया या नहीं हो गया? तो भले प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, 16,000 की संख्या में त्रेता के अंत तक, लेकिन वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्माएं भी राजाई की क्वालिटी की हैं, कंट्रोलर हैं। क्या उनमें कंट्रोल करने के गुण हैं? ऐसी आत्माएं जो राजयोग सीख करके राजा बनती हैं, राजा की क्वालिटी की बनती हैं, वो आत्माएं सारे संसार को कंट्रोल करने वाली एक न एक दिन बनेंगी या नहीं बनेंगी? क्योंकि त्रेता के अंत में आपने देखा होगा 3 सीढ़ियां कटी हुई है जो भगवान ने राजाई स्थापन की, उस राजाई को खंडित करने वाले राजाएं हुए उन 3 जन्मों में, हुए ना त्रेता के अंत में। वो हुए सबसे घटिया क्वालिटी के कंट्रोलर, राजयोग सीखने वाले। और फर्स्ट जन्म में राधा कृष्ण को जन्म देने वाली आत्माएं नर से नारायण बनने वाले सारे विश्व के कंट्रोलर, सबसे ऊंचे कंट्रोलर दुनिया के हुए या नहीं हुए? हैं? नहीं हुए। हुए जो सतयुग के आदि में सबसे ऊंचे कंट्रोलर थे, वो ही फिर हिस्ट्री रिपीट्स, द्वापर युग से वो हिस्ट्री रिपीट हो जाती है। वो ही आत्माएं द्वापर के आदि में राजा विक्रमादित्य और उनके गुरु, जिन्होंने विकारी राजा विक्रमादित्य को सिखाया कि दुख की निवृत्ति के लिए तुम क्या करो, है सोमनाथ मंदिर स्थापन किया। तो जो सतयुग के आदि में ऊंचे थे, वो द्वापर के आदि में भी ऊंचे हुए, और जो त्रेता के अंत में नीचे से नीचे हुए, वो ही कलयुग के अंत में भी नीचे। राजाई को प्राप्त करने वाली आत्माएं बनेंगी। और उसी नीची दुनिया में प्रजा को कंट्रोल करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 16,000 की लिस्ट है, वो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कहीं न कहीं कभी न कभी कंट्रोलर बनते हैं या नहीं बनते हैं? है? बनते हैं। तो निश्चय बुद्धि बनते हैं तब सरेंडर होते हैं, और अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो
पहले सर अंडर, फिर सर सामना करने वाला सर बनेगा या अंडर बनेगा? है, जब विरोधी बन जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, तो बाप का मुकाबला करते हैं या सरेंडर होकर रहते हैं? है, क्या होते हैं? सतो प्रधान स्टेज है तो सरेंडर होते हैं, तमो प्रधान स्टेज बनती है तो है सर ऊंचा उठ जाता है, बाप का मुकाबला करने लग पड़ता है, ग्लानिंग करने लग पड़ता है। और इसका कारण क्या बताया, क्यों ऐसा हुआ? है, हाँ, ज्ञान को व्यभिचारी बनाया, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया, सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने क्या पाया? दुर्गति पाई। ये महावाक्य है ईश्वरीय। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, यही भारतवासी हैं। नौ कुरियों के ब्राह्मण जो संगम में तैयार होते हैं, नौ धर्मों से आई हुई आत्माएं जो द्वापर युग से अलग अलग धर्मों में टाइम टू टाइम कन्वर्ट होती रही। कैसे कन्वर्ट हुई थी? अरे है वही ऊपर से आने वाली आत्माओं ने, धर्म पिताओं ने द्वैतवाद की बातें सुनाई है और ग्लानी की, अरे तुम्हारे राजा राम भगवान उनकी सीता चुराई गई, ऐसा भी भगवान होता है जिसके घर की सीता ही चुरा ली जाए तो वो दुनिया की क्या रक्षा करेगा प्रजा की? बस आगे पीछा कुछ नहीं देखा। हाँ बात सच्ची। तो ऐसे ही अभी तक हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, अनेक प्रकार की पार्टियां निकल रही हैं, विरोध बढ़ता जा रहा है और सबसे जास्ती विरोधी कौन है पता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के फॉलोअर या ब्रह्मा के फॉलोअर? वो कई सालों से ये प्लान बनाते चले आ रहे हैं, बोलते भी आ रहे हैं आपस में कि जैसा तुम्हारे बाबा का हसर किया था, वही हसर जितने भी एडवांस पार्टी के सेंटर हैं वहां के मुखियाओं का हसर करेंगे। हर साल प्लानिंग बनाते हैं लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पाते। अब ये स्थिति आ गई कि गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा बाबा भी बोलने लगे, उनकी खिलाफत में। क्या बोला? दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, बाप दादा दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारियां पास में बैठी कर, बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप हैं माउंट आबू में बैठे हैं। दो तीन बार बाबा ने फिर वही बात रिपीट की, आखरीन कोई
ऐसी भी ब्रह्मा कुमारी थी जिसने बाबा के मुंह में हाथ रख दिया, बैल के मुंह में मुसीका लगा दिया।